Hello learners, welcome to my YouTube channel Ruchika Educational Hub. Students, आज हम बात करेंगे observation method की. इससे पहले हमने पिछली क्लास में introspection method को जो है वो पढ़ लिया है, तो आज हम बात करेंगे observation method की. Observation method या उसको आप हिंदी में कह सकते हैं कि अवलोकन विधि, ठीक है, कि जिसके द्वारा हम किसी के बिहेवियर को, किसी चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हम बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है. इसमें कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ेगी हमको, इसमें जो एक ऑब्जर्वर है और एक जो ऑब्जर्वी है, ठीक है. मींस एक जो इंसान जो ऑब्जर्व कर रहा है और दूसरा जिसके बिहेवियर को ऑब्जर्व जो है वो किया जा रहा है, ठीक है. इसका मीनिंग जान लेते हैं. द वर्ड ऑब्जर्वेशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑब्जर्वियर, ठीक है, कि लैटिन भाषा के ऑब्जर्वियर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू कीप ओपन या टू लुक आउटसाइड. किसमें हम क्या देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, किसी और दूसरे इंसान की तरफ जो है हम देख रहे हैं, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय ह्यूमन बीइंग मेनली थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है. तो किसी के भी बिहेवियर को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन का. इन साइंटिफिक रिसर्च ऑल्सो ऑब्जर्वेशन मैथड ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैथड ऑफ कलेक्टिंग मटीरियल. साइंटिफिक रिसर्च में हम बात करें तो क्या है ऑब्जर्वेशन का मेथड, क्या है मेथड ऑफ कलेक्टिंग मटेरियल, की किसी मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए जरिया जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड है. इसे हम फर्स्ट स्टेज ऑफ साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च भी हम कह सकते हैं, ठीक है. साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें हेल्प करती है टू डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एज अ मीन ऑफ कलेक्टिंग फैक्चुअल मटीरियल. फैक्चुअल मटीरियल को कलेक्ट करने में जो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो हमारी हेल्प करता है. इसके एक डेफिनेशन को देख लेते हैं. सी ए मेगर्स व्यू है, द सॉलिड मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू यूज विजन और आईज रादर देन लिसनिंग और हियरिंग. कि उनका कहना है कि ऑब्जर्वेशन मेथड में हमें अपनी आंखों पे ज्यादा भरोसा करना है, मीन्स अपने विजन पे ज्यादा भरोसा करना है कि जो हम देख रहे हैं वो ज्यादा सही है, रादर देन लिसनिंग और हियरिंग, कि हमने जो सुना किसी ने कहा उस पे कम ध्यान देना है और अपने विजन पे, अपनी आईज पे जो है वो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है. कुछ करेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जर्वेशन मेथड की जो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है बेस्ड ऑन सेंसेस, ठीक है. ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे किसकी जरूरत पड़ेगी, सेंसेस की, राइट. डायरेक्ट मेथड है, आप किसी को भी ऑब्जर्व करने के लिए वो क्या चाहिए, वो इंसान सामने चाहिए, वो घटना को सामने होते हुए देखना है हमें, ठीक है, कि कोई भी घटना घट रही है उसी को हम सामने से ही ऑब्जर्व करेंगे. ऐसा नहीं कि घट गई थी अब हमने इमेजिन कर लिया, तो इमेजिनेशन वाली चीज नहीं है. ऑब्जर्वेशन मीन्स आप अवलोकन कर रहे हो, आप सामने से उसको देख रहे हो. केयरफुल स्टडी है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, मीन्स आप बता के भी किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो और आप बिना बताए भी किसी का बिहेवियर को जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ये क्वालिटेटिव भी होती है नेचर में और क्वांटिटेटिव भी होती है, ठीक है. नेक्स्ट है हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. इसमें हम सिक्स टाइप्स को बात करेंगे मेनली, बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन जो मेन है वो ये सिक्स ही हैं, जिसमें पहला है सिंपल और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज प्लांट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन द लास्ट इज मास ऑब्जर्वेशन. इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट हमारी सिंपल और अनकंट्रोल्ड. सिंपल मीन्स सरल और अनकंट्रोल्ड मीन्स आपकी अनियंत्रित विधि, कि जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है, कि मींस जो घटना जैसे घट रही है, जिस नेचुरल सेटिंग में घट रही है उसको वैसे ही घटने दिया जाएगा और उसका जो है कि हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करेंगे, ठीक है, कि मींस कोई घटना अगर घट रही है तो उसको बाहर से हम फोर्स नहीं करेंगे कि वो चेंज हो जाए, ठीक है. कि मान लो हम क्लासरूम में बच्चों के बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो नेचुरल सेटिंग में, मींस जैसे क्लासरूम चल रही है, नॉर्मल बच्चे बिहेव कर रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई चीज नोट डाउन कर रहे हैं, तो जैसा उनका नेचुरल बिहेवियर है उनको हमने वैसे ही ऑब्जर्व करना है, उसमें कुछ भी खुद से चेंज नहीं करना है कि नहीं मैं तो हम बिहेवियर चेक करूंगी तो सही से बिहेव करो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है. मीन्स आप अनकंट्रोल छोड़ा हुआ उनको, सिंपली उनको उनकी तरह से काम करने दो और वैसे उनको जो है आप बिहेवियर को चेक करो, ठीक है. ये आएगा हमारा फर्स्ट सिंपल एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. सेकेंड है हमारी सिस्टमैटिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन. अब कंट्रोल है, कंट्रोल मींस नियंत्रण है आपका, नियंत्रित विधि है ये, ठीक है.
इसमें क्या सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, मींस डेफिनेटली इसमें क्या रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट को जो एनवायरमेंट है वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि जैसे क्लासरूम में बिहेवियर हो रहा था बच्चे का, उसको क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको बता रहा है कि नहीं ये चीज सही नहीं है। ठीक है, इसमें रिसर्च में क्या आता है, प्री डिटरमाइंस एंड कंट्रोल द स्टडी वेरिएबल्स एंड डिटरमाइन द लोकेशन, द टाइम, द पार्टिसिपेंट एंड द टूल यूज्ड टू कंप्लीट द स्टडी। ठीक है, इसमें रिसर्चर क्या करेगा, प्री डिटरमाइन कर लेता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिचुएशन को सोच लेगा कि मेरे ये सिचुएशन के लिए किसके बिहेवियर को चेक करना है, तो वो वेरिएबल्स भी बना लेगा उसके लिए, लोकेशन भी सेट कर लेगा, टाइम, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन से टूल यूज करेगा। तो मीन्स क्या है, ये कंट्रोल सिचुएशन है, उसके हाथ में है सब कुछ, है ना, रिसर्चर के हाथ में है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेवियर को जो है वो किसी के भी वो चेक करेगा। ठीक है, थर्ड है हमारी प्लांट ऑब्जर्वेशन। प्लांट ऑब्जर्वेशन जिसमें ऑब्जर्वर क्या करेगा, पहले से ही क्या कर लेगा, नोट डाउन कर लेगा कि ये स्टेप्स करने हैं। ठीक है, कहते हैं नोट डाउन व्हाइल यू आर फुली इन्वॉल्व विद चिल्ड्रन, नोटिंग डाउन सिग्निफिकेंट थिंग्स यू सी। ठीक है, कि वो सब कुछ क्या कर रहा है, हर एक चीज को नोट कर रहा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि ये एक्टिविटी होगी, ये चीज नहीं होगी, तो मीन्स क्या है, ये प्लांट है जो पहले से ही क्या है, आयोजित है, कि पहले से वो सोच के आया था, ऐसा वातावरण उसने क्रिएट किया है कि ऐसा बिहेवियर बच्चों से मैं निकाल लूंगा। तो मींस क्या है, उसने पहले से हर एक चीज जो है वो सोच रखी है, प्लान कर रखी है। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मींस जिसमें आप क्या कर रहे हो, सहभागी निरीक्षण, जिसको हम कहते हैं कि इंसान जो है, जो भी ग्रुप था जिसके लिए आप ऑब्जर्व करने गए थे, जिसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए आप गए थे, वहां पे क्या कर रहा है, एज अ पार्टिसिपेंट, वो भी उनका एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, कि हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या कर रहा है, साथ में खुद इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पे चीजों को खुद भी करके देख रहा है। जैसे मान लो हम किसी के कल्चर को ऑब्जर्व करने के लिए गए थे, मान लो कि कोई अलग कल्चर का इंसान जो है वो दिवाली फेस्टिवल को, किसी कम्युनिटी में दिवाली फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है उसको ऑब्जर्व करने गया था। ठीक है, तो कहते वो बाहर बैठ कर ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, अब उस उसमें दिवाली फेस्टिवल का हिस्सा बन गया है, वो उसके अंदर खुद भी इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, कि वो भी उनके साथ अरेंजमेंट्स कर रहा है कैसे दिवाली मनाई जाएगी। ठीक है, तो वो सब क्या कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेंट बन गया है। उसमें क्या होगा, जब आप पार्टिसिपेंट बन जाओगे तो उसमें कहते इमोशनली, सोशली और फिजिकली भी उन लोगों के साथ जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, और उसके साथ जुड़े हुए के साथ साथ ही वो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व भी करेगा और नोट डाउन भी करता जाएगा कि इस किस में क्या, फेस्टिवल में क्या क्या चीजें होती है, कैसा बिहेवियर होता है, कैसे लोग रहते हैं आपस में। ठीक है, वो तो मीन्स पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसमें वो क्या कर रहा है, खुद भी उस ऑब्जर्वेशन का हिस्सा बन रहा है। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब अब असहभागी निरीक्षण, जिसमें क्या है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो जो भी सिचुएशन थी, जो भी चीज घटना घट रही है, मान लो दिवाली ही थी, अब वो दिवाली के अंदर खुद नहीं घुस गया कि मैं भी दिवाली मना लेता हूँ, मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ, नहीं, वो आराम से बाहर बैठा है, जो घटना घट रही है वो उसको क्या कर रहा है, बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसको डिटैच रोल होता है। ठीक है, रिकॉर्ड करता है विदाउट एनी अटेम्प्ट ऑफ हिज पार्ट टू पार्टिसिपेंट। ठीक है, पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा, वो चुपचाप बैठा है, अपने वो चीजों को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, बिहेवियर को वो बिना पार्टिसिपेशन के ही वो ऑब्जर्व कर रहा है। लास्ट है हमारा मास ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कहते हैं मिक्सचर है दोनों का, कंट्रोल्ड सिचुएशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, जैसे सम टाइम आप कंट्रोल कंडीशंस में कर सकते हो, जैसे मान लो आपने वेरिएबल डिसाइड कर लिए, टाइम डिसाइड कर लिए, पार्टिसिपेशन डिसाइड कर लिया कि वो घटना घटी थी पर मुझे उसमें देख नहीं पाया, तो मुझे तो वो देखनी है, तो उसने क्या किया, उसको खुद ही क्रिएट कर लिया, तो वो हो गया हमारी कंट्रोल्ड कंडीशन। और एक होती है अनकंट्रोल्ड कंडीशन, कि जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हुई है कहीं पे, ठीक है, मान लो कोई रैली थी या कुछ और चीज थी जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या है, मास गैदरिंग है। ठीक है, मान लो कोई मॉल में गए आप, तो वहां पे मोस्टली क्या होता है, मास गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो आप वहां क्या, वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन है, वहां पे आप अनकंट्रोल्ड कंडीशन में उनके बिहेवियर को चेक करोगे, दैट इज अनकंट्रोल्ड। और जब आप कोई सिचुएशन खुद क्रिएट कर लेते हो, दैट इज कंट्रोल्ड सिचुएशन। तो मास ऑब्जर्वेशन दोनों तरह से हो सकती है, चाहे वो कंट्रोल्ड हो चाहे वो अनकंट्रोल्ड हो। ठीक है, अब हम इसके कुछ मेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सबसे पहले मेरिट की, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक होता है, प्लांड और सिस्टमैटिक होती है, रिलायबल होती है क्योंकि आप खुद करके देख रहे हो चीजों को, इकोनॉमिकल है, लैब की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी इंसान को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही महंगे अपरेटस की जरूरत नहीं होती है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कि मींस आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, यूज इन एजुकेशनल सिचुएशंस,
आप किसी क्लासरूम में भी इसको यूज कर सकते हो बच्चों के बिहेवियर को चेक करने के लिए कि उनका बिहेवियर कैसे है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, किसी पर्टिकुलर टीचर के प्रति, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति कैसा बिहेवियर है बच्चे का, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप, किसी का भी बिहेवियर जो आप चेक कर सकते हो इस मेथड की हेल्प से। राइट, कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसकी। अब जो किसी के बिहेवियर को चेक करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ट्रेंड ऑब्जर्वर चाहिए जो वेल ट्रेंड हो, जिसे हर एक स्टेप जो ऑब्जर्वेशन का जो उसको पता हो। ठीक है, आर्टिफिशियल सिचुएशंस में सम टाइम है ना, हमने बोला कि कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, जो रिसर्चर है वो खुद भी वो चीजों को वो बना लेता है ना। जब आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है तो उसमें वैलिडिटी की जो चीज है ना वो कम हो जाती है, लैक ऑफ वैलिडिटी आ जाती है उसमें। ठीक है, और सम टाइम हमें किसी बिहेवियर को जब नेचुरल सेटिंग में जब बिहेवियर चेक कर रहे हैं हम, है ना, फर्स्ट था ना हमारा कि इसमें क्या था, सिंपल या अनकंट्रोल्ड, मींस आप क्या था, किसी के बिहेवियर को आप नेचुरल सेटिंग में कि जैसा चल रहा वैसे चलते रहना चाहिए, तो उसके हर एक तरह के बिहेवियर को चेक करने के लिए बहुत ही लंबे समय का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग वेट हो जाती है, सम टाइम बहुत टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, डिफिकल्टी इन स्टडिंग अनकॉन्शियस माइंड, कहते हैं जिनका जो माइंड जो है वो अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, उसको स्टडी करने के लिए कहते हैं बिहेवियर जो है ये यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, कि आप उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो अच्छे से। ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन मेथड को, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको जो है सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।